बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा आज का क्वेश्चन है जी, एपिडर्मिस एपिडर्मिस एक सेपरेट टॉपिक है बिलाहर, चूंकि आपकी बुक ने इसको सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू से सेपरेट हेडिंग में रखा हुआ है। ये खासी कॉम्प्लिकेटेड है इस लिहाज से कि बज़ाहर ये सिंपल है लेकिन एक्चुअली सिंपल है, चूँकि इसमें मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं और इसमें इवन एपिडर्मिस के अंदर बज़ात खुद भी बहुत सी ऐसी मॉडिफिकेशन मौजूद हैं। ये एक स्पेशल किस्म का हेडिंग बन जाता है। बहरहाल हमने इसको स्टडी करना है वन बाई वन, और क्योंकि पौधे बहुत सी किस्म के हैं, मोनोकॉट डाइकॉट में कुछ और कंडीशन होंगी में और लोअर कॉन में बहुत सी डिफरेंसेस हैं, तो हम जो डिस्क्रिप्शन हम स्टडी करेंगे ज़्यादा वो एंजियोस्पर्म के ऊपर ही बेस करेंगे। पर एपिडर्मिस के इस हेडिंग के अंदर जो मेन हेडिंग है प्रॉपर एपिडर्मिस, यानी एक तो जो असली एपिडर्मिस है, एक तो वो होगी एपिडर्मिस, ये शामिल है हमारे सिलेबस में एक चीज। नंबर दो, इसके अंदर स्टोमेटा और गार्ड सेल्स, आप इन लफ्जों से चूंकि पहले से वाकिफ हैं इसलिए ये भी शुरू हमारे हुआ है। दो अहम पॉइंट्स हो गए गार्ड सी एल। इसके अलावा ट्राइकॉम्स, ट्राइकॉम्स के अलावा डिफरेंट किस्म की अपेंडेजेस, ये भी इसी के अंदर शामिल हैं इसी टॉपिक में। और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स, हाँ इसी के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स, इसके अंदर चंद स्पेशलाइज्ड सेल्स भी मौजूद हैं। जी ये मुझे फिर आपको म्यूट करना पड़ रहा है, मैं 50 पर कह चुका हूँ जब आपने क्लास में आना होता है तो अपने माइक और वीडियोस को ऑफ करके आया करें। अब ये सवाब है इसके घर से बर्तनों के खड़कने की आवाज़ें आ रही थी, मुझे सबको म्यूट करना पड़ा है। किसी ने आपको बात करनी हो पूछनी हो तो आपको हैंड रेज करना पड़ेगा, मेरे पास आपका फ्री हल मुमकिन है और कुछ नहीं है। जी मैंने जो मेजर टॉपिक्स हैं वो आपके सामने लिख दिए हैं और अब हमने इस टॉपिक को लेकर चलना है आगे डिटेल्स की तरफ, छोटे छोटे बहुत से पॉइंट्स बनेंगे। आई एम श्योर कि आप में से कोई भी इतना तेज़तर्रार नहीं है जिसने अभी प्रीवियस पेपर चेक किए हों कि उनमें इसके रेफरेंस से कोई क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आए हुए हैं तो कौन से किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वैसे नहीं बचा जी ऐसा तेज़तर्रार आपकी क्लास में इसको पढ़ने लिखने का शौक हो जी, कोई थोड़ा बहुत चीज़ें के अलावा थोड़ा बहुत कुछ करती है, बाकी तो सब मिट्टी के माल और अल्लाह मियाँ के गाय नजर आते हैं सब। जी किसी की तरफ से कोई नो इंट्रैक्शन, नो एक्शन, नो रिएक्शन। चलिए जी सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन से शुरू करूँगा, ये एपिडर्मिस होती क्या है, इसके अंदर इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन और डेफिनेशन सारा कुछ पता ही चलेगा। एपिडर्मिस होती क्या है, कहाँ पे होती है, ये सब कुछ अभी आपके सामने डिस्कस होगा। इसी रखने से कोशिश करूँगा सारे सिलसिले में ड्रॉप कर दूँगा। मैं एक प्लांट की बॉडी के सिर्फ चंद इम्पॉर्टेंट पार्ट्स शो कर रहा हूँ। ये स्टेम है अंडरग्राउंड, इसमें से रूट्स और उसकी ब्रांचेस होती हैं, स्टेम की ब्रांचेस होती हैं और उसके ऊपर लीव्स और फ्लावर वगैरह मौजूद होते हैं। मैंने चंद चीज़ें शो कर दी हैं। ये ऑल प्लांट के ऑर्गन्स हैं, रूट ऑर्गन है, स्टेम ऑर्गन है, उसकी ब्रांचेज ऑर्गन है, लीव्स भी ऑर्गन है और अगर फ्लावर होंगे तो वो भी ऑर्गन। ये सब प्लांट के ऑर्गन हैं डिफरेंट। मैं फर्स्ट की हम एक स्टेम को काट के देख रहे हैं, स्टेम में हम इसका टी एस काटा है, हम इसको देख रहे हैं। एक यंग स्टेम में शर्त है, यंग स्टेम की मैं यंग के लिए वाई लिख रहा हूँ, एक यंग स्टेम के अंदर जो सबसे बाहर चीज़ होती है वो हमारा जो टॉपिक है यही वाला है एपिडर्मिस, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस।
मैंने स्टेम का नाम लिया, अगर हम एक यंग रूट ले आए उसको भी काट के देखें तो उसमें भी बाहर यही होगा, एबिडर्मिस सबसे बाहर मौजूद होगी। अगर हम एक लीफ को लें, लीफ का सेक्शन काटें, ये लीफ है, अगर हम लीफ का भी सेक्शन काट के देख रहे हों इसमें भी अपर और लोअर दोनों साइड पर दो चीज़ होगी, इधर भी एपिडर्मिस है और इस साइड पर भी एपिडर्मिस है, ऐसे फ्लावर्स की सेपल्स पैटर्न में बाहर की साइड पर ऊपर नीचे दोनों पर एपिडर्मिस। ये मैंने प्लांट के तमाम मेजर ऑर्गन्स में लोकेशन बताया। अब जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल शामिल है, और ये मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूँ, अब मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, डील मेथड, ये एक्सपेरिमेंट जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जो कि मैंने चेक किया है उसके मुताबिक आप में से शाजर नादरी किसी ने जाके उसको देखने की अब तक जहमत वगैरह की है, मैंने कहा भी था कि ये प्रैक्टिकल ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर जब क्लास को कराया था तो वो मैंने अपलोड कर दिया था। पिछले साल से मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट जो हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स थे, वो मैंने सारे के सारे जूलॉजी में भी और ऐसे ही बॉटनी में भी जितने भी बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सब मैंने अपलोड किए हैं, मेजॉरिटी उनका अपलोड कर दिए, सारे तो नहीं लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैंने वो अपलोड ज़्यादा किए। अब जूलॉजी के रेफरेंस से, जूलॉजी आपको मैं नहीं पढ़ा रहा इस बार, लेकिन उसमें जो डिसेक्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, फ्रॉग की 22 डायग्राम्स, फ्रॉग की 22 वीडियोज़ हैं और रैबिट की तकरीबन 8 के करीब डिसेक्शन की वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं, यानी टोटल 30 वीडियोस में खाली डिसेक्शन की अपलोड कर चुका हूँ फ्रॉग और रैबिट के हवाले से, और ये डिसेक्शन आपके जो सेमेस्टर 2 है उसमें शामिल है जूलॉजी के रेफरेंस। आप फ्रॉग या रैबिट की बॉडी से कोई भी पार्ट चेक करना चाह रहे हैं तो वो डिसेक्शन मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, और सिर्फ आपको चीज़ का नाम उसमें टाइप करना होगा आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बॉटनी के लिहाज से अब इस सेमेस्टर में आपके 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पील मेथड का नाम लिखा है, ये जो पील मेथड है ये पील मेथड खास तौर पर एपिडर्मिस के लिए है। एक नंबर दो, सेक्शन कटिंग, सेक्शन कटिंग आपका दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्टिकल है। सेक्शन कटिंग जो है ये स्टेम और लीफ के लिहाज से है, आपके सिलेबस में स्टेम और लीफ की सेक्शन कटिंग है। स्टेम और रूट को काटने का मेथड सेम है, मेथड में स्टेनिंग में कोई फर्क नहीं है। लीफ की कटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन बहरहाल प्रोसीजर बाकी स्ट्राइक कटिंग के एक थोड़े से फर्क है, बाकी उसके प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है। कटिंग के बाद उसकी जान स्टेनिंग की जाती है और फिर उसको रूट करते हैं। अब ये तीनों चीज़ें यानी जो पील मेथड है ये भी सेक्शन कटिंग, स्टेम और लीफ के लिहाज से उसकी स्टेनिंग, ये तमाम प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी परफॉर्म हैं और यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड हैं। मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूँ और ये बताया था कि जी आपने इसको यूट्यूब से चेक कर लेना है, यूट्यूब पे ऑलरेडी जो मेरा मेन चैनल है वो है जी प्रॉफ एम अफजल के नाम से, इसमें ये सारी की सारी प्रैक्टिकल की वीडियोस और उसको आप ज़्यादा किसी भी तरीके से देख सकते हैं। जस्ट प्रॉफ एम पे चले जाएं, उसमें वीडियोस की ऑप्शन है, उसमें जो पुराने वीडियोस होंगे ज़्यादा पुराने चूँकि 1 साल पुराने वीडियोज़ हैं जो ये वाली पिछले साल वाली, वहाँ से या प्लेलिस्ट में जाके प्रैक्टिकल्स प्लेलिस्ट में जाएं, प्रैक्टिकल वाली प्लेलिस्ट उठा लें और उसको देखेंगे तो उसके अंदर से भी आपको ऐसे बॉटनी की प्लेलिस्ट में भी आपको ये तमाम एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे जो पौधों के रखने से, जूलॉजी की प्लेलिस्ट में या प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट में जो एनिमल की डिसेक्शन है वो आपको मिल जाएगी। ये आपने अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज मैं फिर बता रहा हूँ कि इसको आपने चेक कर लेना है, जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है गवर्नमेंट का, फिलहाल लगता नहीं है कि ये कॉलेज स्कूल खोलने का कोई इरादा है। ज़ाहिर है कि जब गवर्नमेंट का इरादा नहीं है खोलने का तो रिजल्ट यही निकलेगा कि 8-10 महीने आप ऐसे लटकते रहें और फिर वो अचानक अनाउंस करेंगे ठीक है जी अब आप पेपर्स दे रहे हैं और दरमियान में फिर आपको पास प्रैक्टिकल के लिए कोई टाइम नहीं बचेगा। अब जो है इंस्ट्रक्शंस और सब मैं चुके बता चुका हूँ आपको कि ये अपलोडेड हैं, मौजूद हैं, आप सिर्फ उसको देखना है और उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आपने पूछ लेनी है। अब इस वक्त क्लास में आज बड़ी हैरानी बात है कि इस वक्त 17 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, आमतौर पर आपकी हाजिरी बड़ी मार्टी होती है, कल
लग रहा था कि आप लोगों का पढ़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं लिख के दे दूँ साहब को कि इतने बच्चे एब्सेंट हैं, इनको कम से कम 2-2 हज़ार का फाइन करें ताकि थोड़ा सा रेगुलर हो जाए। जी ये था जी प्रैक्टिकल के हवाले से मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी है, स्टोमेटा गार्ड सेल की आपने स्टडी करनी है और ट्राइफॉर्म्स की, तो बील मेथड और स्टेम और रूट और लीफ जो बाकी स्टडी है वो सेक्शन करने हैं, दोनों की वीडियोस ऑलरेडी दोनों के प्रोसीजर की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आपने चेक करनी है और फिर उसके बाद आप उसको डिस्कस मुझसे कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम उसमें महसूस करते हैं। फर्दर भी अगर कोई चीज़ हो तो वो मैं अपलोड कर सकता हूँ, पॉसिबल है, वीडियोज पड़ी हुई हैं कुछ और भी हैं वो अपलोड हो सकते हैं। फिर अब यहाँ तक था जी पहला हिस्सा जो कि तारफ की बात चल रही थी, और तेरी सर प्रैक्टिकल का जिक्र आ गया कि ये थीम के अलावा आपके प्रैक्टिकल में भी शामिल हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिकल की वीडियोस को आपने चेक कर लेना है, अगर ढूंढना मुश्किल लग रहा है तो मैं किसी वक्त दोबारा वो आपको उनका लिंक सेंड कर दूँगा, लिंक से तलाश करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि तलाश कर उसको जस्ट क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली उस वीडियो तक पहुँच जाएंगे, बशर्ते कि आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, अगर कोई भी आपका प्रोग्राम सोने का है तो फिर भैंस के आगे बिन जाने से कोई खास फायदा होने की तो कोई नहीं होती होती है। जी अब वापस आते हैं, एपिडर्मिस सेल्स की शेप कैसी होती है, किस किस तरह के होते हैं, मैं सबसे पहले लीफ के लिहाज से, ये वैसे मैं स्टेम ड्रा किया था, अगर आपने यहाँ वाले स्टेम भी बना देता हूँ, ये एक यंग स्टेम है किसी भी ऐसे पौधे का जिसको हम मोनोकॉट या डाइकॉट स्टेम कह लीजिए, ये यहाँ पर मैं इसके सेल दिखाई देता हूँ, ये इसके सेल्स हैं और ये एपिडर्मिस के सेल्स हैं, इनके बाहर भी क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है, इसी को अगर मैं सेपरेट करके दिखा दूँ आपको ये जस्ट ऐसे बन जाएंगे, ये वो लेयर है और ये इसके अंदर हम थोड़े फासले के ऊपर आपको क्रॉस वॉल नज़र आ रही है, ये वो सेल्स हैं, बाहर वाली साइड के ऊपर क्यूटिकल क्लियर वेल डेवलप होती है, ज़्यादा मोटी होती है अंदर के बाल में, चूँकि बाहर की साइड पर धूप और गर्मी पड़ रही होती है, उससे बचाव के लिए क्यूटिकल का ज़्यादा डिवेल्प होना जरूरी है ताकि पानी का लॉस कम से कम हो सके। अब ये यहाँ मैंने सिस्टम का जिक्र किया, स्टेम में भी ऐसे होगा, रूट में भी ऐसे होगा, लीफ में भी ऐसे होगा, जो आउटर सरफेस है, अब स्टेम से चूंकि गोल होता है इसकी तो चारों हर साइड के ऊपर ही आउटर है, रूट में भी ऐसे है, लेकिन जब हम लीफ की बात करेंगे, ये एक लीफ है, लीफ इस शेप का होता है, ये लीफ है फर्स और इसमें मिडरिब है, इसमें वेन्स वगैरह मौजूद होते हैं, अगर हम लीफ को स्टडी कर लो हम सिर्फ इतना सा पोर्शन लीफ का लेकर काट सकते हैं, थोड़ा और कर लीजिएगा, अगर लीफ को काटना है तो ये इतना सा सेक्शन लेना है जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है, आप इतना सा पोर्शन लेके काटेंगे, सेक्शन यहाँ से लेंगे और फिर इसकी स्टडी करेंगे तो जो चीज़ नज़र आ रही होगी रफ स्केच के जरिए, ये एपिडर्मिस है अपर और लोअर, जितना पोर्शन लिया है उसमें अपर और लोअर ये एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस के अंदर एक बहुत ही खास चीज़ मौजूद है, डायग्राम अच्छी नहीं बन रही है, कहाँ ट्राई कर पाऊंगे अच्छी बन रही है, इसको अपने खुद देखना है और गेस करना है कि देखने में क्या लग रहा है। चलिए बहर ये थी लोअर एपिडर्मिस और ये अपर एपिडर्मिस ड्रा किया मैंने, यहाँ भी अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल के लिए हाईली डेवलप्ड है लोअर टेम्पल, ये लीफ है जो और लेफ्ट साइड के ऊपर ये लीफ का टीएस है, ये सब लीफ और इस टीएस में मैंने सिर्फ ये भी एपिडर्मिस दिखाई है, इसके दरमियान में फर्स्ट के लिए यहाँ पे कुछ फासलों के ऊपर फर्स्ट बटल मौजूद होंगे, इसमें अपर साइड के ऊपर भी कुछ सेल मौजूद होंगे और यहाँ पे स्टोन बैठा है यहाँ पे कुछ गैप होगा और इसके आसपास भी इस तरह से कुछ सेल पड़े हुए होंगे। अब डायग्राम्स चूँकि रफ स्केच बन सकता है यहाँ पे, आपकी बुक में इसकी डायग्राम बनी हुई है, आप उन डायग्राम को मुझसे देख सकते हैं, जो चीज़ पॉइंट ऑफ होने वाली है जी वो एक है स्टोमा या स्टोमेटा, स्टोमा सिंगल है, स्टोमेटा इसकी जमे है और ये इसके आसपास मौजूद डॉट सेल्स हैं जो कि स्पेशल है और जो बाकी सारे के सारे सेल्स हैं ये क्रिटिकल है, इसके नाम से वाकिफ है, इसकी जात भी हमें करनी है और ये वो एपिडर्मिस है प्रॉपर एपिडर्मिस और ये वाले लोअर एपिडर्मिस। अब मैंने रफ स्केच लीफ के लिहाज से और स्टेम के लिहाज से दोनों का एक पोर्शन आपको बड़ा करके दिखा दिया है सिंपलेस्ट, अभी हम एपिडर्मिस के जो प्रॉपर सेल्स हैं जस्ट उसको डिस्कस करेंगे। अब डिपेंड करते हुए कि हम रूट को देख रहे हैं, स्टेम को देख रहे हैं, लीफ को देख रहे हैं, इसमें कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस आएंगे वो मुझे यहाँ पे फिर लफ्ज़ में रूट के लिहाज से मैं लिख रहा हूँ जिस जगह पे,
लफ्ज आपके लिए नए हैं, लेकिन फहरहाल रूट में एपिडर्मिस के लिए टेक्निकल लफ्ज है राइजोडर्मिस, ये एक लफ्ज है, और एपिप्लीमा ये रूट के लिए एक दूसरा स्पेशल लफ्ज। अगर हम रूट को स्टडी कर रहे हों तो रूट की एपिडर्मिस को एपिडर्मिस के साथ साथ राइजोडर्मिस या एपिप्लीमा का नाम भी दिया जाता है। इसकी एक खास खासियत है जो भी यहाँ तक हमने डायग्राम नहीं ड्रा की, अगर आपके पास आपकी बुक में आपकी नोटबुक में जो भी आपके पास मौजूद है डायग्राम बनी हुई है तो चेक कीजिएगा। जब आप रूट को ये फर्ज किया रूट है, ये इस रूट को हमने इसका सेक्शन काटा है, यहाँ से रूट में जो सबसे बाहर है ये वो राइजोडर्मिस है, इसका नाम हमने यहाँ पे लिखा है, दिस इज द राइजोडर्मिस, इसी को ही एपिप्लीमा कहते हैं। अब अगर हम एक रूट को वैसे देख रहे हों माइक्रोस्कोप में तो इसके ऊपर आपको रूट हेयर्स नजर आते हैं, ये रूट हेयर्स मैं इसी डायग्राम में शो करने लगा हूँ, यहाँ थोड़े पास के बेस में रूट हेयर्स भी मौजूद हैं, ये रूट हेयर्स का जो आपको गड़बड़ होती है अच्छी तरह ये चेंज करना पड़ेगा इसको। ये मैं चंद एक रूट हेयर दिखा देता हूँ, गड़बड़ हो यहाँ बनाते हैं अब ठीक। अब फर्क नोट करें कि रूट हेयर आपको कैसा नजर आ रहा है, अब एक पल की रूट हेयर बनाता हूँ, चलो अब मैंने काफी सारे सर बना दिए, चेक कीजिए कि जो रूट हेयर है जहाँ पे रूट हेयर, ये डायग्राम ठीक है जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, ये ठीक डायग्राम है, ये ठीक है और ये दोनों गड़बड़ हो गए थे, इसको मैं क्रॉस कर, ये चेक करें कि एपिडर्मिस वाला सेल ही लंबा होके रूट हेयर बन गया है, एपिडर्मिस के कुछ सेल लंबे होकर रूट हेयर बना देते हैं, बाकी एपिडर्मिस सेल ऐसे शेप हो गए। अब रूट के एपिडर्मिस को राइजोडर्मिस या एपिडर्मा का नाम देते हैं, स्टेम के एपिडर्मिस ऑलरेडी सोसाइटी है क्यूटिकल के लिहाज से, रूट की एपिडर्मिस में क्यूटिकल की कोई खास जरूरत नहीं होती, रूट मिट्टी के अंदर होती है, वहाँ पर ट्रांसपरेशन और गर्मी का वो मसला नहीं होता है जो स्टेम या लीव्स के लिए मौजूद होता है, चुनाचे उनके लिए ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है इसका। ये था जी जनरल रूट और लीफ। अब हम स्पेसिफिकली दोबारा वापस प्लांट्स की तरफ आ रहे हैं, ये लीफ इसकी बात हो चुकी कि हम एक लीफ को काट के देख रहे हैं, ठीक है, इसमें अपर एपिडर्मिस पे क्यूटिकल मौजूद है, क्यूटिकल को वैक्स भी कहते हैं, क्यूटिकल और वैक्स के नाम से आप पहले से बात करते हैं, ये वैक्स या क्यूटिकल इसलिए है लीव्स पे भी और स्टेम के ऊपर भी मौजूद होती है, क्योंकि जब धूप पड़ती है धूप सनलाइट और हीट दोनों इकट्ठी मौजूद होती है तो पानी का लास्ट होना शुरू करता है, उस पानी के लास्ट को रोकने के लिए एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर वेल डेवलप्ड, जहाँ जितनी ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पर उतनी ज़्यादा क्यूटिकल की लेयर होगी, वो पौधे जो पानी में रहते हैं वहाँ भी मसला नहीं होता है इसलिए क्यूटिकल के ना होने के प्राप्त होता है, अगर पौधा ठंडी जगह पर रहता हो जहाँ धूप कम पड़ती है वहाँ भी एपिडर्मिस होगी लेकिन कम मकदार में मौजूद होगी, एपिडर्मिस के ऊपर वैक्स के लिए कम मकदार में मौजूद होगी। क्यूटिकल डिस्क हो गया, एपिडर्मिस के जनरल सेल्स की बात होगी कि आम सेल्स, ये यहाँ पर जो डायग्राम मैंने शो की हैं ये मैंने एक रेगुलर शेप के शो की हैं, एपिडर्मिस के सेल्स अदर शेप्स में भी हो सकते हैं, इररेगुलर शेप के भी पॉसिबल हो सकते हैं, तमाम तर शेप्स पॉसिबल हैं एपिडर्मिस के सेल्स, मैंने कुछ शेप ड्रा कर दी हैं, इनके अलावा भी शेप्स पॉसिबल हो सकती हैं एपिडर्मिस सेल्स की। ये है जी ऑल अबाउट शेप ऑफ दी सेल्स, और इस शेप के हवाले से एक खास पॉइंट है और वो पॉइंट है जी डाइकॉट और मोनोकॉट, डिपेंड करता है आपके पास बुक कौन सी है, उस बुक में डायग्राम्स कौन सी और कैसी बनी हुई है, उसने किस किस लिहाज से डायग्राम ड्रा की हुई है, मैं एक डिफरेंस शो करने लगा हूँ, ये डिफरेंस स्पेसिफिक है इम्पोर्टेंट है, देखते हैं कि आप इसको नोट करने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते। ये मैं एक तस्वीर, ये गालपन याद नहीं जी आप तो शायद ये नहीं कहा था किसी और पास को कहा था, ये मैं एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, ये सेल्स हैं जो मैंने डायग्राम में ड्रा किए हैं, दीज आर द सेल्स, इस सेल्स में फर्स्ट कीजिए यहाँ पे जहाँ मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ गौर से देखना है, स्केच तो बहुत अच्छा नहीं बनेगा लेकिन जैसे गुजारा होगा कि यहाँ पे करके एक आगे जाकर ना लेते हैं फिर ये हो सकता है, इसमें यहाँ पे करके अब जो चीज़ स्पेसिफिक नोट करने वाली वो और से देखिए कि पतले पतले और लंबे सेल, और ये इसके वो गार्ड सेल्स और स्टोन
ये मोनोकॉट से कहा जाते हैं, खास और मोनोकॉट में से एम सी फॉर मोनोकॉट है, दिस इज एम सी फॉर मोनोकॉट और जी फॉर ग्रैमनी। ग्रैमनी फैमिली को हम चूंकि पढ़ चुके हैं, ग्रैमनी को कोई सी फिक्र थी। इसमें लंबे वाले सेल ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, किस तरह के लंबे सेल्स और थ्रोटल फॉसिल के ब्रॉड सेल्स और स्टूमेंट, जबकि डाइकॉट में इरेगुलर शेप के सेल्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ पौधों में रेगुलर शेप किस तरह के सेल भी मौजूद हो सकते हैं। एपिडर्मिस और इसके ऊपर मौजूद क्यूटिकल का पहला फंक्शन पौधे को रगड़ से खराश वगैरह से बचाना है, वाटर लॉस से पानी के लॉस से बचाना है, क्योंकि मौसम में जब धूप पड़ती है पानी को उड़ने से रोकने के लिए इसको वैक्स क्लियर होना चाहिए। यह है जनरल फंक्शन एपिडर्मिस। लेकिन लोकेशन के लिहाज से मसलन जब रूट्स की बात होगी, रूट्स के एपिडर्मिस प्रोटेक्शन में बहुत अहम पार्ट प्ले कर रही है। इफ मूव प्रोटेक्शन एवरेजन या रगड़ से अगर बचाव के लिए है, स्पेसिफिकली स्टेम में भी एपिडर्मिस मौजूद है, यहाँ भी एपिडर्मिस पौधे की प्रोटेक्शन कर रही है गर्मी सर्दी से और पानी के लॉस से बचा रही है। पत्तों में तो स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी से लॉस से बचाने के लिए अपर एपिडर्मिस हाईली वैक्सी या क्रिटिकल के साथ मौजूद है। जी यहाँ तक मैंने बहुत सी सिंपल और जनरल चीज़ें तकरीबन सारी सारी एपिडर्मिस सेल के लिहाज से बयान कर दी हैं। अब इसमें कुछ चंद स्पेसिफिक सेपरेट हेडिंग, चूँकि मैंने हेडिंग यहाँ बहुत लिखी थी जो चैप्टर के मुदल पे हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जो नहीं लिखी गई, जो नाम मैंने लिखे हैं उससे हट के भी कुछ नहीं मौजूद नहीं, क्योंकि आपके हेल्प है बुक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ हेडिंग दिए हुए हैं। हर बुक में सब हेडिंग नहीं हो सकते हैं, कुछ बुक में कुछ होते हैं कुछ में कुछ होते हैं। अगर ये था जो तारफ हमारे एपिडर्मिस और उसके अंदर गार्ड सिस्टम अटैक है, इनकी शेप अभी मैंने थोड़ी सी ध्यान की है, गार्ड सेल्स की शेप भी खास अहमियत की हाँ है और उसको भी हमने आगे गार्ड सेल्स के हेडिंग के अंदर डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। जी यहाँ तक जहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया है, क्या ये क्लियर है, इसकी समझ आ गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आप समझते हैं कि ठीक है तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। जी किसी ने कुछ कहना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं ऑटो म्यूट करूँगा, अनम्यूट करूँगा तो आप बोल सकते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं बताना चाहते हैं। जी किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन होने के पूछे जाने के चांसेस मौजूद नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं दे रहा। अभी जो लास्ट मैंने टॉपिक डिस्कस किया मोनोकॉट, मैंने बताया था कि डायग्राम माउस के साथ डायग्राम कुछ नहीं की बनती है, मार्टी डायग्राम मेरी डायग्राम वैसे भी मार्टी होती हैं और कंप्यूटर और माउस पे तो और ज़्यादा मार्टी हो जाती हैं। बहरहाल अपनी बुक से इसको मैच कर लेते हैं। मोनोकॉट्स के सेल्स लाइंस के अंदर पड़े होते हैं, लंबे लंबे पतले सेल्स होते हैं और उसी एंगल पे जिस एंगल पे सेल्स पड़े हैं उसी एंगल पे इनके कार्ड्स हैं। उसके बारे में अगर हम डाइकॉट के पौधे को देखें, डाइकॉट प्लांट में ये कंडीशन नहीं होगी, उनके सेल मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स के हो सकते हैं, ठीक है, उनके गार्ड सेल्स बड़े प्रोमिनेंट होते हैं। मैं स्वीप बनाए देता हूँ, जिसके मैं पहले गार्ड सेल्स बना रहा हूँ, ये प्रॉब्लम याद रखिएगा कि माउस मेरी मर्जी के मुताबिक चलता, अपनी मर्जी होती है और माउस का किधर कुछ चल पड़ता है और किधर से वो चलने से इनकार कर। ये मैंने दो गार्ड सेल दिखा दिए। अब गार्ड सेल के आसपास फर्ज कीजिए इस सेल के आसपास यहाँ से सेल शुरू हो रहा है और यहाँ तक ये सेल मौजूद है, दूसरे सेल यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक पड़ा हुआ है, एक सेल ऐसे यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक सेल यहाँ पर ऐसे मौजूद है, ये भी सेल है और एक सेल यहाँ पर, ये बहुत से सेल इसके आसपास है। वो सेल जो गार्ड सेल के बाहर की तरफ मौजूद होते हैं उसे अटैच्ड होते हैं, उनका स्पेशल नेम है, ये नेम आपकी बुक में दिया होगा, सब्सिडरी सेल, दिस इज बाय हेल्पिंग सेल सब्सिडरी, इसका लूजी मतलब है हेल्पिंग सेल। ये था जी एक खास किस्म के सेल्स का नेम और
और उनकी शेप डिपेंड कर सकती है। चेक करें डाइकॉट में सेल्स राउंड या इरेगुलर शेप के हैं और डॉट सेल्स मोटे और इस शेप के। जब आप किसी ऐसे डायग्राम को स्टडी करेंगे डीप बेल में जो मोनोकॉट होते थे, तो उसके अंदर सेल्स इसके मुकाबले ज़्यादा सिंप्लीफाइड होते हैं और शेप का भी फर्क होता है। तो इरेगुलर शेप मौजूद हो सकते हैं एपिडर्मल साथ स्टेम एंड रूट्स। इस तरफ की हद तक हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। सो टाइम देखते हैं क्या हो गया, 3:02 हुए हैं और हमारे पास तकरीबन 9 मिनट का टाइम बचा। तारफ के बाद हम आते हैं जी किसके अगले हेडिंग्स की तरफ। मैंने ऊपर यहाँ पे हेडिंग दिया है उसके आगे प्रॉपर अपॉइंटमेंट स्टोमेटा गार्ड सेल्स ट्राइकोम्स एपेंडिजेस स्पेशल सेल्स का जिक्र किया। ये सब कंपोनेंट्स हैं एपिडर्मिस में, पौधों के एपिडर्मिस में मुख्तलिफ किस्म के सेल मौजूद हो सकते हैं। इनमें से कुछ का जिक्र यहाँ पे जनरल सेल्स के नाम से किया गया है और कुछ स्पेशल सेल्स भी होंगे जिनका जिक्र आगे चल जाएगा। और जी अब जो हेडिंग सड़क में जाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है ओरिजिन। ये ओरिजिन यहाँ पे हम सिर्फ एक दो लाइनों में जिक्र करेंगे, आगे एक टॉपिक आएगा मेरिस्टेम। जब हम मेरिस्टेम का पूरा चैप्टर का टॉपिक पढ़ लेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से ये डिस्कस हो सकते हैं। अब उसमें जो लोग अभी आपने नहीं पढ़े हुए हैं प्राइमरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से वाकफ हैं, इसका जिक्र हो चुका है फर्स्ट लेक्चर में भी और भी कल भी जिक्र हुआ। एक बीज से जो पौधा निकलता है डेवलप कर रहा होता है पतला और लंबा ग्रो करता जा रहा होता है वो उसकी प्राइमरी ग्रोथ होती है। लेकिन जो ट्रीज होते हैं वो साल बाय साल उठते जाते हैं, लंबे भी होते जाते हैं और फिर साथ साथ दो तीन साल बाद वो मोटे भी होना शुरू होता है। जब एक पौधा मोटा होना शुरू हो जाए तो समझे एक टॉपिक जो हम जाइलम और फ्लोएम दोनों में पढ़ चुके हैं कि जब एक पौधा मोटा, मैंने उर्दू तरफ से बोला है मोटा, अगर आपको याद हो ये लफ्ज पीछे डिस्कस हो चुका है एक बार, गर्थ GIRTH। जब हम स्टेम या रूट के मोटे होने की बात करते हैं, जब आपने उसको इंग्लिश में लिखना है तो उस मोटे के लिए आपने गर्थ का इस्तेमाल करना है। बहुत से बच्चे और बहुत से टीचर्स उस स्टेम और रूट के मोटा होने के लिए भी थिकनेस फैटनेस या विड्थ का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो अल्फाज दुरुस्त नहीं है, प्रॉपर मीनिंग होगा नहीं। ये था जी एक लफ्ज। और जैसा कि बात हुई है कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है पौधे की, जब मोटाई में इजाफा होता है तो उसमें सेकेंडरी उसमें जो सेल्स हैं स्पेसिफिक डिवाइड होने वाले सेल्स केम्बियम के सेल वो डिवाइड होते हैं बाहर की तरफ फ्लोएम के सेल्स और अंदर की तरफ जाइलम के सेल बनना शुरू होते हैं। उन सेल्स को जो कैम्बियम से डेवलप होते हैं वेसल बंडल के अंदर ज़ाइलम और फ्लोएम के लिए सेल्स, उन्हें सेकेंडरी ज़ाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का नाम देते हैं और उनके पैदा होने को सेकेंडरी ग्रोथ का हम पहला स्टेप काउंट करेंगे। वो पहला स्टेप है सेकेंडरी ग्रोथ के लिहाज से। ये था जी वुल्फास की बात रही है कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है जब ये होती है तो पौधे की गर्थ में मोटाई में इजाफा हो जाता है। याद रखिए कि पत्तों में ये नहीं होती, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। पत्तों में कीमें भी नहीं होती है ज़्यादा फर्क। ये था जी जनरल की बच्चे इस वक्त फिर 18 से कम हो गए हैं, 15 बच्चे शो हो रहे हैं, इस वक्त 3 बच्चे गायब हो चुके हैं।
जो आपने ये अटेंडेंस आज वाली दोनों जो प्रेजेंट है वो और जो एब्सेंट है दोनों की सेपरेट डिस्टेंस बना के रखें। आप किसी और बच्चे से अभी ले सकते हैं साथ अकेले की बजाय किसी अपने फ्रेंड से कहें कि वो आपकी हेल्प कर दें साथ लिस्टें बना रहा जी। हमारे पास तकरीबन 3 से 4 घंटे का टाइम बाकी है जी। जो लफ्ज मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो जो बात चल रही थी कि जब तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस वक्त तो केमियम से होती है। जब एक पौधा बनना शुरू हुआ एक भी कल परसों बात हुई थी कि एक बीज है जो और इस बीज से एक पौधा निकलने लगा है इसमें से नीचे की तरफ रूट निकली है और ऊपर की तरफ शूट और इस रूट और शूट में वो सब चीज़ें मौजूद हैं जिनका जिक्र हमारे उस चैप्टर में आएगा जहाँ पे हम मेरिस्टेम्स को स्टडी करेंगे। पौधे में सबसे बाहर वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पे रगड़ लगने के चांस मौजूद होते हैं वहाँ पे जो है क्यूटिकल पिछले हर वो सेपरेट रूट और स्टेम दोनों को लगभग डिस्कस करेंगे। लेकिन रूट में रूट के बाहर रूट के अभी नाम थोड़ा सा कहीं जिक्र आ चुका है इससे पहले किसी सेमेस्टर में या किसी टॉपिक के अंदर शूट के ऊपर क्रिटिकल करियर की डेवलपमेंट के जिक्र हो चुका हुआ। पर जब तक तो पौधा लंबा हो रहा है उसमें प्राइमरी ग्रोथ उस वक्त तक एक लफ्ज अभी मैं थोड़ा लफ्ज बयान करूँगा चूँकि इसकी वजाहत होगी जब हम मेरिस्टेम और ग्रोथ वाले टॉपिक में पहुँचेंगे। लफ्ज है जी प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं स्टेम या रूट वगैरह और दूसरा लफ्ज जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद सेल बन रहे होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कैम्बियम में होती है वो कैम्बियम की वजह से जबकि प्राइमरी ग्रोथ जो हो रही है वो अदर्स जगहों पर और अदर्स किस्म के साल से होती है जिसका यहाँ पे हम थोड़ा जिक्र नहीं करें क्योंकि अभी हम ग्रोथ को स्टडी नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ जनरल का जिक्र किया कि ग्रोथ होती कहाँ पे है और इसको बना रही है। तारफ की हद तक हमारा एपिडर्मिस के हवाले से एपिडर्मिस हो गया उसका ओरिजिन हो गया सेल्स की शेप हो गई साइज रखिए कि पौधों के सेल का साइज माइक्रोमीटर में होता है 5 माइक्रोमीटर 10 माइक्रोमीटर 15 माइक्रोमीटर ये आम सेल्स की रेंज हो सकती है। तो हम कुछ पौधों में इससे भी ज़्यादा बड़े साइज सेल पाए जाए और ये था जी तारफ सारे का सारा। जी हमारे पास टाइम बस थोड़ा सा है जी इसमें अगला टॉपिक नहीं चल सकता है यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क द क्वेश्चन किसी का जो क्वेश्चन हो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज करना पड़ेगा फिर मैं आपको अनम्यूट या अगर आपको मुश्किल लग रहा है हैंड रेज करना अगर आप सो गए हुए हैं हैंड्स भी सुन हो गए फिर मैं आपको अनम्यूट करके अलाउ कर देता हूँ आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। जी नो इंट्रक्शन जी तकरीबन 39 मिनट हो गए जब जूम किसी भी बंद हो जाएगा पर अभी उससे कोई क्वेश्चन कोई आंसर कोई इंट्रक्शन नहीं आ रहा जो आपकी लैक ऑफ इंटरेस्ट को शो करता है अपने आप को सोचे हैं आप क्या कर रहे हैं आप क्यों नहीं पढ़ रहे तस्वीर को सेव कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो